Hello students, welcome to our APS classes and now today we will continue with our new chapter related with the environmental studies subject for third class and this is our chapter number third and the name of the chapter is water o water. तो प्यारे बच्चों जैसे कि आप सभी को पता है कि कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं तो सबसे पहले विश यू वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम द और बाय द एपीएस क्लासेस एज वेल एज एपीएस फैमिली. तो इस वर्ष जो है नवरात्रि के उपलक्ष्य में माता रानी का सभी के ऊपर जो है वो आशीर्वाद बना रहे. माता रानी जो है वो सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि जो है वो बनाए रखे. सो वंस अगेन विश यू वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू. नाउ लेट अस स्टार्ट विद अवर चैप्टर दैट इज रिलेटेड विद द क्लास थर्ड फॉर द ईवीएस सब्जेक्ट एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज वाटर ओ वाटर. तो बेटे जैसे कि सभी जानते हैं कि वाटर इज वेरी इम्पॉर्टेंट टू ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म. विदाउट वाटर वी कांट सपोर्ट और वी कांट एग्जिस्ट अवर लाइफ. हम अपनी लाइफ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते विदाउट वाटर. तो जैसे ऑक्सीजन जो है इट इज वेरी नेसेसरी टू ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेम ऑन दैट वे वाटर इज ऑल्सो very important to each and every living organisms and water plays a vital role or a very important role to each and every living organisms in their life. तो अब हम बेटे आज जो chapter शुरू कर रहे हैं water ओ water का. तो इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि water जो है वो बहुत important है सभी living organisms के लिए. हम पानी के बगैर अपनी life नहीं सोच सकते हैं. हम पानी के बिना अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोच सकते कि हमारी जिंदगी जो है वो पानी के बिना चल सकती है या नहीं चल सकती है. तो हर चीज के लिए हमें पानी की जरूरत होती है. नहाने के लिए पानी की जरूरत है, कपड़े धोने के लिए पानी की जरूरत है, वॉशिंग के लिए जरूरत है, बाथिंग के लिए जरूरत है, कुकिंग के लिए जरूरत है, तो फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स के लिए हमें पानी की जरूरत है. तो हर चीज के लिए हमें पानी की जरूरत जो वो पड़ती है. तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब वाटर ओ वाटर बेटे अब यहां पर क्या है कि एक पोएम दी गई है वाटर के ऊपर. अब इस पोएम में क्या कहा गया है आप ही अपनी अपनी बुक्स को ओपन कर लें. अब इस पोएम को हम क्या करेंगे रीड करेंगे. तो इस पोएम के जरिए हम देखेंगे कि पानी जो है वो कितना जरूरी है सभी की जिंदगी के लिए. और ये पोएम जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है श्री प्रसाद के द्वारा लिखी गई है. अब क्या पोएम है बेटे आई विल वॉश माई फेस विद वाटर. ठीक है मैं अपना मुंह जो हूं वो किसके साथ होता हूं पानी के साथ होता हूं. सेट मुन्ना टू हिज नानी ये शब्द किसने कहे कि मैं अपना मुंह जो है वो पानी के साथ होता हूं. सेट दीज वर्ड्स मुन्ना टू हिज नानी. वी ऑल क्विंच अवर थर्स्ट विद वाटर. जब हमें प्यास लगती है तो हम अपनी प्यास को किस चीज से बुझाते हैं पानी से बुझाते हैं. वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर. हम सभी जीवित हैं इस धरती पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ऑल ऑफ देम लिव या ऑल ऑफ देम अलाइव ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर. वाटर हैज बीन विद अस फॉर एजेस. पानी आज की तारीख में नहीं हमारे साथ है. वाटर लिव फॉर अस इवन फॉर एजेस. हमारे साथ काफी टाइम्स वाटर हैज बीन अस विद एजेस एंड इट्स स्टोरी कैन फिल सो मेनी पेजेस. और इसकी कहानी जो है वो पता नहीं कितने पेजेस को फिल करती है वाटर की जो कहानी है. समवेयर इट इज ड्यू समवेयर इट इज स्नो और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में वाटर जो एग्जिस्ट करता है. कहीं पर वो ड्यू की फॉर्म एग्जिस्ट करता है कहीं पर वो स्नो की फॉर्म एग्जिस्ट करता है कहीं पर वो जो है एवरी स्टीम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स जो वाटर की जहां पर वो एग्जिस्ट करता है. व्हाट हैज फॉर्म्ड सो मेनी दैट इज व्हाट सेज माय नानी. मतलब हमने कहा कि पानी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. अब वो कौन कौन सी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है जस्ट लाइक वो स्टीम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ड्यू की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है स्नो की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो दीज आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द वाटर. द रिवर फ्लो द वॉटरफॉल सिंक द रिवर फ्लो द वॉटरफॉल सिंक्स एंड वॉटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स. लाइफ ऑन अर्थ इट हैज ब्राउट वॉटर्ड फील्ड्स एंड लाइफ दे गॉड.
हमें पानी की जरूरत, फील्ड्स को वाटरिंग करने के लिए जरूरत पड़ती है, गार्डनिंग के लिए हमें वाटर की जरूरत पड़ती है, हमें पौधों को ग्रो करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। तो हर चीज के लिए पानी की जरूरत है। व्हाट व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड्स, ग्रेट मिसफॉर्च्यून इज ऑलवेज वर्क्स। पानी एक तरफ से हम कह रहे हैं कि वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन, बट हम एक तरफ दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, व्हाट व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड्स, पर कभी पानी अगर बाढ़ के रूप में या फ्लड्स के रूप में पानी आता है तो एट दैट टाइम ग्रेट मिसफॉर्च्यून इट ऑलवेज वर्क। तो उस टाइम पानी के द्वारा जो है वो ग्रेट मिसफॉर्च्यून जो होते हैं वो उस टाइम हो जाते हैं पानी के द्वारा। ग्रेट मिसफॉर्च्यून इट वर्क्स व्हेन द वाटर ब्रेक्स इनटू द फ्लड्स। सो दिस इज द पॉइंट दैट इज टू बी डन बाय श्री प्रसाद। अब नेक्स्ट विच हम देखते हैं The questions that are related with this chapter, water or water. अब हम देखते हैं बेटे कि पानी, अब ये हमारा water है, water and the formula of water. अब water का formula क्या है बेटे? H2O. This is the formula of water. That means पानी किस चीज को मिलकर बना है बेटे? Two molecules हमारे पास किस चीज के हैं? Hydrogen के plus one molecule जो है वो हमारे पास किस चीज का है? ऑक्सीजन का। दैट मींस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। जब ये दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास आपस में कंबाइन कर जाते हैं तो आफ्टर दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग ऑन वाटर, रिसाइट इट इन द क्लास। क्या आप किसी पोएम के बारे में या किसी सॉन्ग के बारे में जानते हैं जो कि आप पानी के ऊपर पोएम जो है उसको गा सकते हैं या कोई गाना है उसको आप सिंग कर सकते हैं क्लास में? तो रिसाइट इट इन द क्लास। यस आई नो अ पोएम ऑन वाटर। यस मैं बहुत अच्छी तरह से एक पोएम जो है वो वाटर के ऊपर जानता हूं। एंड दैट पोएम इज, कौन सी पोएम है बेटा? वाटर फॉर द फ्लावर्स, वाटर फॉर द फ्लावर्स, वाटर फॉर द ट्री, वाटर फॉर द वर्ड। आई रिपीट अगेन, वाटर फॉर द फ्लावर्स, वाटर फॉर द वर्ड, वाटर फॉर द ट्रीज, water for the bee, water for the rivers and water for the sea, water for the world and water for me. मैं दोबारा से एक बार इस पॉइंट को रीड करूंगी बेटे। water for the flowers, water for the words, water for the trees. Next is water for the bees, water for the rivers and water for the sea, water for the world and water for the me. So this is the poem और दिस इज अ सॉन्ग दैट इज टू बी रिसाइटेड इन द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर द प्लेसेस मेंशन्ड इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर। इस पोएम में कौन सी प्लेसेस ऐसी हैं जिनके बारे में मेंशन किया गया है कि कौन कौन सी जगहों पर हम पानी को फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पर पानी को इजिली फाइंड आउट किया जा सकता है। तो जो जगहें हैं बेटे जिन पर हम वाटर को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं वो कौन कौन सी जगहें बेटे? नंबर वन रिवर्स, हम रिवर्स में इजिली वाटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड वन वाटरफॉल, इन द वाटरफॉल वी इजिली फाइंड आउट द वाटर। नेक्स्ट है बेटा स्प्रिंग्स एंड लेक्स, springs and lakes. So all these are the places where we easily find the water. Rivers, waterfalls, springs and lakes. These are the places where we find the water easily. Next question है, tick the activities for which water is needed. कुछ activities आपके पास दी गई हैं, उन activities के बिहा पर आपने उन activities को tick करना है where we need the water, जहां पर हमें पानी की जरूरत पड़ती है। तो बेटे कौन कौन सी चीजें हैं जहां पर हमें पानी की जरूरत पड़ती है? आपको चेक करना है, टू प्ले, प्ले के लिए क्या हमें पानी की जरूरत पड़ती है? टू प्ले, हमें खेलने के लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। टू सिंग, हमें गाने के लिए भी पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। देयर इज नो नीड व्हेन वी सिंग अ सॉन्ग, देयर इज नो नीड ऑफ वाटर व्हेन वी सिंग अ सॉन्ग। टू रो अ बोट, बट व्हेन वी रो अ बोट एट दैट टाइम वी नीड अ वाटर, द बोट नीडेड अ वाटर। सो this is tick because at the time of row a boat, at that time boat needs the water. Next to write, write के लिए भी हमें water की जरूरत नहीं पड़ती है बेटा, so this is wrong. To make tea, जब हम चाय बनाते हैं घर में, कभी आपने देखा होगा कि आपकी मम्मा जब चाय बनाते हैं, कोई गेस्ट आपके घर में आता है, at that time we also need a water.
सो दिस इज अगेन अ राइट स्टेटमेंट. नेक्स्ट टू नीड डो. डो बनाने के लिए भी हमें पानी की जरूरत पड़ती है. सो दिस इज अगेन द एक्टिविटी वेयर वी नीड द वाटर. To run a fan, and at that time when we run a fan, there is no need of water. To paint pictures, yes, when we paint a pictures, at that time we need the water. To grow plants, yes, again this is the true activity, because for the growing or for the development of the plants, we need a lot of water, because the root water and the minerals that are to be absorbed by the roots of the plants, and with the help of these water and minerals, the plant is to grow and the plant is to be drip. So these are the activities where we need a water. Next question is beta, question number 4, and your question number 4 is, name any 4 activities which you can do without water and which you cannot do without water. आपको कुछ activities के नाम बताने हैं जिनको कि आप without water कर सकते हैं, और कुछ activities आपको ऐसी बतानी है that cannot do without water, जिनको हम कि बिना पानी के नहीं कर सकते. उन activities के लिए हमें पानी की जरूरत 101% पड़ेगी, पर कुछ ऐसी activities हैं जिनको कि हम without water जो है वो कर सकते हैं. तो यू कैन डू विदाउट वाटर. सबसे पहले हम लेते हैं कि जो एक्टिविटीज दैट कैन डू विदाउट वाटर, जिनको हम वाटर के बिना कर सकते हैं, सच एज डांसिंग, सिंगिंग, वॉकिंग, स्पीकिंग, रनिंग, वॉचिंग टीवी एंड लिसनिंग टू म्यूजिक, ऑल दीज आर द एक्टिविटीज वेयर देयर इज नो नीड ऑफ वाटर. नंबर 1 वॉकिंग, नंबर 2 सिंगिंग, नंबर 3 डांसिंग, नंबर 4 वॉचिंग टीवी, नेक्स्ट उसके बाद आपकी जो है बेटे स्पीकिंग, रनिंग, हमें बोलने के लिए पानी की कोई जरूरत नहीं पड़ती है. हम जब दौड़ते हैं एट द टाइम ऑफ रनिंग वी डोंट नीड एनी टाइप ऑफ द वाटर, एंड एट दैट टाइम व्हेन वी लिसनिंग अ म्यूजिक अगेन एट दैट टाइम देयर इज नो नीड ऑफ वाटर. तो ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज है वेयर देयर इज नो नीड ऑफ वाटर. बट इन द सेकेंड पॉइंट वेयर वाटर is necessary, without water we can do our activities, जिसे हम बिना पानी के अपनी activities को नहीं कर सकते हैं. Number 1 preparing tea, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर चाय बनाएंगे तो हमें उसके लिए पानी की जरूरत है, 101% हमें सबसे पहले पानी ही लेना पड़ेगा. So where there are activities, तो यहां पर हम लिख देते हैं बेटे जो activities हम बिना पानी के कर सकते हैं, जिन्हें हमें पानी की जरूरत नहीं है, such as dancing, सेकेंड 1 सिंगिंग, उसके बाद आपकी है बेटे स्पीकिंग, नेक्स्ट 1 रनिंग. सो दीज आर द एक्टिविटीज वेयर देयर इज नो नीड ऑफ वाटर, बट द एक्टिविटीज विच वी कैनॉट डू विदाउट वाटर, सच एज प्रिपेयरिंग, नेक्स्ट इज प्रिपेयरिंग टी, प्रिपेयरिंग टी. सो दिस इज द एक्टिविटी दैट कैनॉट डू विदाउट वाटर. नेक्स्ट कॉफी, राइस, दाल, प्रिपेयरिंग टी, कॉफी, राइस, दाल, वॉशिंग वेजिटेबल्स, washing vegetables, washing fruits, washing vegetables, washing fruits, bathing, bathing, washing clothes. So all these are the activities which cannot be done without water, such as preparing tea, preparing rice, preparing dal, preparing coffee, as well as washing vegetables, washing fruits, washing clothes, as well as for the bathing. These are the activities which cannot be done without water. Next video, ab hum agle questions par chalte hain, and your next question is question number 5. Arrange the following on the basis of the amount of the water. Arrange the following on the basis of the amount of water that is needed for each of the activities. हमें कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं जिनको आपने अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ द वाटर. उन एक्टिविटीज को आप अमाउंट ऑफ वाटर के बेसिस के ऊपर क्या करेंगे, अरेंज करेंगे. बिगन विद द एक्टिविटी दैट नीड्स
द मोस्ट वाटर. आपकी एक्टिविटी वहां से शुरू होगी जहां पर जिस एक्टिविटी को मैक्सिमम वाटर की जरूरत होगी, मोस्ट वाटर की जरूरत होगी. तो आपको उस हिसाब से उन एक्टिविटीज को अरेंज करना है वेयर दे नीड मैक्सिमम और मोस्ट ऑफ द वाटर दैट इज टू बी नीडेड फॉर दैट एक्टिविटी. सो आपकी एक्टिविटी क्या है बेटा? पहली है टू बाथ. फर्स्ट इज टू बाथ. हमें नहाने के लिए कितने पानी की जरूरत पड़ती है? टू ड्रिंक. पीने के लिए पानी की कितनी जरूरत होती है? टू क्लीन द हाउस. घर को धोना है अगर आपने, वॉश करना है, क्लीन करना है अपने हाउस को, तो उसको आपके लिए कितने पानी की जरूरत होगी? टू वाटर द फील्ड्स. अगर आपने खेतों को पानी देना है तो उसमें आपको कितने पानी की जरूरत होगी? नेक्स्ट एक्टिविटी टू नीड द डो. डो बनाने के लिए आपको कितने पानी की जरूरत होगी? तो जो आपका जो हमने अरेंज करना है एक्टिविटीज को जहां पर आपकी मैक्सिमम या मोस्ट वाटर की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले बेटे हमें ये देखना है कि जब हम खेतों को पानी देते हैं, फील्ड्स को वाटर देते हैं, या एट द टाइम ऑफ इरिगेटिंग या इरिगेशन द फील्ड्स, तो हमें उससे पानी की जो है वो मैक्सिमम जरूरत पड़ती है. तो सबसे पहले जो हमारा आएगा बेटे टू वाटर द फील्ड्स. टू वाटर द फील्ड्स. तो यहां पर हमें सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की पड़ेगी बेटे? पानी की पड़ेगी, क्योंकि फील्ड्स के लिए हमें सबसे ज्यादा पानी की जरूरत है. सेकंड केस में हमें क्या है बेटे? टू क्लीन द हाउस. अगर हमने घर धोना है तो उस टाइम भी हमें पानी की जरूरत पड़ेगी. पर एज कंपेयर टू वाटरिंग द फील्ड्स, उसके मुकाबले हमें घर को धोने के लिए पानी की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी. टू क्लीन द हाउस. थर्ड केस में क्या था बेटे? पहला आया हमारा टू वाटर द फील्ड्स, सेकंड में हमें आया टू क्लीन द हाउस, थर्ड में क्या आएगा? टू बाथ. उसके बाद हमें नहाने के लिए कितने पानी की जरूरत होती है? टू बाथ. टू बाथ. नेक्स्ट हमारा टू ड्रिंक. हमें पानी पीने के लिए कितनी जरूरत होती है? टू ड्रिंक. ज्यादा से ज्यादा आप एक गिलास पानी का पी लेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं पी पाएंगे. नेक्स्ट है टू नीड द डो. अरेंज कर दिया उन एक्टिविटीज को जहां पर हमें मैक्सिमम वाटर की जरूरत है. तो हमें मैक्सिमम वाटर की जरूरत होती है सबसे पहले टू वाटर द फील्ड्स, आफ्टर दैट टू क्लीन द हाउस, नेक्स्ट टू बाथ, टू ड्रिंक एंड टू नीड द डो. सो दीज आर द एक्टिविटीज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू दैट वेयर द मैक्सिमम वाटर इज टू बी यूज्ड. नेक्स्ट इज बेटा इन द पोएम यू रीड अबाउट रिवर्स. क्वेश्चन दिया गया है इन द पोएम यू रीड अबाउट द rivers, waterfalls, lakes and springs. We get water from all these places. हमें यहां से पानी हर जगह से मिलता है. And from where do you get water? इनमें से कहां से आपको पानी मिलेगा? Put a circle around those places that are either in your house or around it. आपको एक सर्कल मार्क करना है जहां पर पानी आपके घर के आसपास या नजदीक कहीं से पानी मिलता है. तो आप उस जगह को क्या करेंगे? आप सर्कल मार्क करेंगे उस जगह को. तो कौन कौन सी जगह है बेटे? लेक है, वेल है, ट्यूबवेल है, पॉन्ड है, वाटरफॉल है, हैंडपंप है, रिवर, स्ट्रीम, टैप, टैंक, सी, हॉट वाटर, स्प्रिंग. सो ऑल दीज आर द वेरियस पॉइंट्स वेयर वी गेट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस. बट पुट अ सर्कल अराउंड दोज प्लेसेस दैट यू आइदर इन योर हाउस और अराउंड इट. जो आपके घर के आसपास है या आपके अराउंड में है, आप उनको सर्कल करना है. तो आप जिनको सर्कल करेंगे बेटे वो कौन कौन सी है? पहले देखो लेक, सेकेंड वन बेल, फिर उसके बाद आपके क्या है? पॉन्ड, वॉटरफॉल, नेक्स्ट हैंडपंप, आफ्टर दैट कौन से बेटे? रिवर, स्ट्रीम, टैप, नेक्स्ट टैंक, सी, हॉट वाटर स्प्रिंग. सो प्लेसेस इन और अराउंड द हाउसेज आर गिवन इन बोल्ड. ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो बेटे हमारे घर के आसपास कौन से होते हैं? जैसे वेल है, घर के नजदीक आसपास होते हैं, ट्यूबवेल है, ये भी घर के आसपास होते हैं, हैंडपंप है, वो भी घर के आसपास है. तो यहां पर जो हमारे घर के आसपास चीज होती है बेटे, उनको हम क्या करेंगे? उनको राउंड कर देंगे.
तो जैसे बेटे वेल कुआं जो है वो घरों के आसपास होते हैं, आफ्टर दैट आपके ट्यूबवेल भी घर के आसपास होते हैं, हैंड पंप है दैट इज नियर योर हाउस और अराउंड इट, टैप घर के नजदीक है, टैंक, उसके बाद आपके ऑल दीज आर द प्लेसेस वेयर द वाटर दैट इज नियर आइदर योर हाउस और अराउंड इट. नेक्स्ट है बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड वेयर, क्या आप ये जानते हैं कि हॉट वाटर जो है दैट इज टू बी कमिंग फ्रॉम द ग्राउंड वेयर, अगर वाटर जो हॉट वाटर है वो ग्राउंड से आता है तो वो कहां से आता है. ठीक है, हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड, क्या आपने कोई हॉट वाटर ऐसा देखा है जो कि ग्राउंड से आता है, अगर देखा है तो कहां पर है, तो इसका आंसर आएगा बेटे नो, द आंसर इज नो. नेक्स्ट, डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी, क्या कोई ऐसी रिवर यह है जो आपकी विलेज में या आपके गांव में या आपके शहर में जो है वो जाती है, फ्लो करती है. इफ यस राइट इट्स नेम, अगर आपकी कोई नदी जो है या आपकी कोई रिवर जो है अगर आपके गांव से या आपके शहर से जाती है तो उस नदी का या उस रिवर का जो है वो आप नाम बताएं. तो यहां पर वो जो पोएम चैप्टर में दिया गया है, यस जो रिवर फ्लो करती है थ्रू अवर विलेज या फिर हमारी सिटी से, सो दैट रिवर इज कावेरी, तो हम क्या लिखेंगे बेटे, यस यस, कौन सी विलेज जो है बेटे रिवर है, कावेरी, यस कावेरी, यस कावेरी फ्लोज थ्रू माई सिटी और थ्रू माई विलेज. नेक्स्ट, डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स, राइट द नेम्स, क्या आप किन्हीं रिवर्स के नाम जानते हैं या किन्हीं रिवर्स के बारे में जानते हैं, अगर जानते हैं तो उनके नाम क्या है. यस आई डू नो द नेम्स ऑफ सम रिवर्स, यस आई डू नो द नेम्स ऑफ सम रिवर्स एंड द नेम्स ऑफ द रिवर्स आर, पहली रिवर कौन सी बेटे, यमुना, द नेम ऑफ फर्स्ट रिवर इज यमुना, सेकेंड इज गंगा, द सेकेंड रिवर इज गंगा, थर्ड रिवर इज गोदावरी, गोदावरी, यमुना, गंगा, गोदावरी, सतलुज, सतलुज, नेक्स्ट इज चेनाब, चेनाब एंड द लास्ट वन इज ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र. ब्रह्मपुत्र एटसेट्रा. सो दीज आर द रिवर्स दैट, डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स, ठीक है इन रिवर्स के हम नाम जानते हैं एंड द नेम ऑफ द रिवर्स आर गंगा, यमुना, गोदावरी, सतलुज, चेनाब एंड ब्रह्मपुत्र एटसेट्रा, दीज आर द नेम्स ऑफ द सम रिवर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम, घर में आप पानी कहां से लेते हैं, घरों में जब आप पानी पीते हैं तो घरों में पानी आप कहां से लेते हैं, एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम, इन टैप्स थ्रू द पाइप लाइन, तो कहां से लेते हैं बेटे, इन टैप्स, इन टैप्स थ्रू पाइप लाइन, इन टैप्स थ्रू पाइप pipelines. Next is, do you have to go for to get water? How much time does it take to bring the water? Do you have to go far to get water? क्या आप पानी लेने के लिए दूर जा सकते हैं? अगर जा सकते हैं, at that time, how much time does it take to bring the water? आपको कितना समय लगेगा पानी को लाने में? So no, we don't have to go far to get water. नहीं, हम पानी लेने के लिए दूर नहीं जा सकते. No, we don't
गो फॉर टू गेट वाटर, इट कम्स इन द टैप्स थ्रू द पाइपलाइंस, क्योंकि पानी जो है वो टैप्स के जरिए पाइपलाइन से होता हुआ घरों में पहुंच जाता है. नेक्स्ट इज डू योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस. यस माई नेबर्स ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम द पाइपलाइंस. यस माई नेबर्स ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम द पाइपलाइंस. तो हमारे नेबर्स जो है वो भी पानी कहां से लेते हैं बेटा, पाइपलाइन से. यस अवर नेबर्स ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम द पाइपलाइंस. तो कहां से लेते हैं बेटे, पाइपलाइन से लेते हैं. यस अवर नेबर्स ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम द पाइपलाइंस. नेक्स्ट व्हाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर, हमें पानी को स्टोर करने की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाट इज द रीजन व्हाई वी ऑलवेज टू स्टोर वाटर. सो वाटर नीड्स टू बी स्टोर्ड बिकॉज वाटर माइट नॉट बी सप्लाइड थ्रू आउट द डे. हमें पानी को स्टोर करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि सप्लाई का जो पानी होता है वो पूरा दिन जो होता है वो पानी नहीं आता है. फॉर दैट रीजन वाटर इज टू बी स्टोर्ड इन द whatever cans या फिर pots, वहां पर हम पानी को स्टोर करके रखते हैं. सो द टेक्निकल रीजन वाटर नीड्स टू बी स्टोर्ड बिकॉज वाटर माइट नॉट टू बी सप्लाइड थ्रू आउट द डे, दैट्स वाई वी स्टोर द वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फेचेज एंड स्टोर्स वाटर इन योर हाउस, कौन है आपके घर में जो वाटर को क्या करता है, स्टोर करता है. कोई एक ऐसा पर्सन होता है आप घर में जो कि वाटर को क्या करता है, वो ऑलवेज स्टोर करता है. सो आपने उस पर्सन का नाम बताना है, हु फेचेज एंड स्टोर द वाटर इन योर हाउस. सो माई पेरेंट्स स्टोर वाटर इन माई हाउस. माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स स्टोर water in my house. My parents store water in my house. But sometimes I also help. कभी कभी मैं भी help कर देता हूं. Next है, are there certain people who are not allowed to take water from there? No, there is no such case. ऐसा कोई ऐसा केस नहीं है जहां पर certain people who are not allowed to take water from there. कुछ लोगों को जो है वहां पर allowed नहीं है पानी को लेने के लिए. तो ऐसा कोई hard and fast rule नहीं है कि वहां से कोई बाहर person जो है वो आकर पानी को वो वहां से ले नहीं सकता है या collect नहीं कर सकता है water को. तो no, there is no such case. Next center. ये आपके कलर द पिक्चर्स ऑफ दोज कंटेनर्स विच यू यूज फॉर स्टोरिंग वाटर. आपको कलर करना है उन पिक्चर्स को जो कि वाटर को स्टोर करने में हेल्प करते हैं. जब घर में आप पानी भरते हैं, पानी स्टोर करते हैं, एट दैट टाइम विच अप्लायंसेस आर टू बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग द वाटर. तो नंबर वन पर आपका क्या है बेटे, बकेट. सो बकेट इज ऑल्सो यूज फॉर स्टोरिंग वाटर. हम बकेट को क्या करते हैं, नंबर वन बकेट. So bucket is used for storing water. Second पर क्या है बेटे, flask. It is also used for storing water. Next third number पर क्या है बेटा, can. Can is also used for storing water. उसके बाद pot है, pot is also used for storing water. Next jug. Jug is also used for storing water. And last one is water pot. It is also used for storing water. Water pot is also used for storing water. तो यहां देख सकते हैं बेटे आप कि क्या क्या चीजें हैं जो water को store करने के लिए use होती हैं. तो यहां पर आपको बता दिया बेटे, इसको हम वाटर पॉट या मटका, मटका भी बोल सकते हैं, मटका. ऑल दीज आर यूज फॉर स्टोरिंग वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन योर नोटबुक ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी अदर कंटेनर्स विच यू आर यूज फॉर स्टोरिंग वाटर इन योर हाउस. राइट द नेम्स एज वेल. नाम दे दिए बेटे, बकेट है, फ्लास्क है, कैन है, पॉट है, जग है, वाटर पॉट या फिर मटका है. ऑल दीज आर यूज फॉर स्टोरिंग द वाटर. Take a look at the picture if we fill them with water. So which will contain the least water and which will contain the most water. तो आपके पास कुछ दिए गए हैं कि कौन है जो ज्यादा water store करता है और कौन है जो कम water store करता है. तो Hiran and Chutki जो है were feeling very thirsty. Their uncle gave both of them mango panna in steel tumblers, but Chutki wanted the drink only in the glass tumbler.
ठीक है, पर चुटकी जो है शी नीडेड और शी वॉन्टेड टू ड्रिंक ओनली द ग्लास टम्बलर. हर अंकल पोर्ड द पाना इन टू अ ग्लास टम्बलर बट चुटकी वॉज नॉट हैप्पी. She complained, "Uncle, you have given me less panna." So, what do you feel? Did Chutki's glass tumbler have less panna? No, ऐसा नहीं है कि जो उसका glass tumbler है वो less panna जो है वो include नहीं कर रहा है. कारण क्या है? अब आप इन pictures को अच्छे से देखेंगे बेटे, तो वहां पर आपको क्या होगा? No, though it looks smaller. ऐसा नहीं है वो सिर्फ हमें देखने में smaller लग रहा है. No, it looks smaller. Only it looks smaller. पर क्या है बेटे इसके साथ? बट इट इज ब्रॉडर देन द स्टील टम्बलर. नो इट लुक्स स्मॉलर बट इट इज ब्रॉडर देन द हमने क्या कहा कि नो इट लुक्स स्मॉलर बट इट इज ब्रॉडर देन द स्टील टम्बलर. तो हम यहां लिख सकते हैं बेटे नो इट लुक्स smaller but it is broader than steel tumbler. Next is beta given in the this is the question. Given in the grid are some places where water is found. Find 7 of them and put circle around each one has been already for you. एक आपको बना दिया गया है. Next आपको और places को ऐसे find out करना है जहां पर पानी जो पाया जाता है. Number one पर आपको दिया गया है waterfall. और कौन कौन सी ऐसी places है जहां पर हम water को find out कर सकते हैं बेटा? तो second पर आपका बनेगा बेटे, सेकेंड पर आपका बन जाएगा वेल. यहां से बनेगा आपका वेल, डब्ल्यू ई डबल एल. उसके बाद नेक्स्ट है बेटे आपका सी. सी सेकेंड हो गया आपका. आफ्टर दैट लेक, लेक इज नेक्स्ट पार्ट. उसके बाद आपका है बेटे रेन, आर ए आई एन रेन. नेक्स्ट इज पॉन्ड. After that, the next is tap. ठीक है बेटे, waterfall, उसके बाद आपका आया well, sea, lake, उसके बाद आया आपका rain, pond, tap. यहां से भी बेटे आपका pond बन जाएगा. This is pond. W E L L well. So these are the some places where water is find. Find out 7 them. This is number 1. This is number 2. दो हो गए. उसके बाद बेटे lake 3, sea 4. उसके बाद आपका rain 5, पॉन्ड 6, टैप 7. तो ये 7 हो गए बेटे. नाउ शिफ्ट द लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर टुडेज पार्ट नंबर 1. और आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, इन एवरी रो पुट ए सर्कल अराउंड वन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स एंड ऑल्सो टेल हाउ इट इज डिफरेंट. आपको चार चार आपके पास जो है वो ऑप्शंस दी गई हैं. उन चार में से आपको एक को सर्कल करना है और सर्कल आपको उसको करना है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. जो कि अदर्स से डिफरेंट होगा उसको आपको सर्कल करना है. और अगर वो डिफरेंट है तो व्हाट इज द रीजन व्हाई दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. तो पहला हम लेते हैं बेटे, फर्स्ट आपका है रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड एंड स्प्रिंग. सो आउट ऑफ देम रिवर, लेक, पॉन्ड एंड स्प्रिंग. सो आउट ऑफ देम माउंटेन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. एंड वाई माउंटेन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स? बिकॉज माउंटेन इज नॉट अ सोर्स ऑफ वॉटर, दैट्स वाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. रिवर, लेक, पॉन्ड एंड स्प्रिंग, ऑल दीज आर द सोर्स ऑफ वॉटर. बट माउंटेन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स बिकॉज माउंटेन इज नॉट अ सोर्स ऑफ वॉटर. तो ये हम लिख सकते हैं बेटा, माउंटेन
माउंटेन इज नॉट ए सोर्स ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. अब हम सेकेंड पे चलते हैं बेटा. नाउ शिफ्ट टू द सेकेंड. बाथिंग वॉशिंग, बाथिंग वॉशिंग क्लोथ्स, स्विमिंग, क्लिपिंग हेयर, नीडिंग डो. सो आउट ऑफ देम ओनली कॉम्बिंग हेयर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. कॉम्बिंग हेयर्स इज डिफरेंट from others because why it is different from others because there is no need of water, there is no need of water while combing hairs, there is no need of water while combing hairs, that's why it is different from the others. Next is fish, duck, monkey, crocodile and pterodactyls. So fish, duck, crocodile and pterodactyls, out of them the different is monkey. And why the monkey is different from the others? Because monkey is it does not live in water, that's why monkey is different from the others, because monkey does not live in water, because monkey does not live in water. So that's why monkey is different from the others. Next is car, boat, bus, train, bicycle. So out of them boat is different from the others बिकॉज बोट नीडेड वॉटर, क्योंकि बोट को जो हम किस चीज की जरूरत है? पानी की. बिकॉज बोट नीडेड वॉटर, सो दैट्स वाई बोट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. सो दैट्स वाई बोट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. तो यहां पर बेटे हमारा ये पार्ट वन जो है रिलेटेड विद द वॉटर ओ वॉटर का जो वो कंप्लीट हो गया, जिसमें आज हमने क्वेश्चंस किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 15. नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब इस चैप्टर से रिलेटेड अब हमारे बचे हैं, दैट विल बी वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अवर पार्ट नंबर 2. और आप सभी को दोबारा से नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं. माता रानी का आशीर्वाद जो है वो सभी पर इसी तरह से बना रहे, और माता रानी जो है वो आपकी जिंदगी में खुशियां और सुख समृद्धि जो है वो लेकर आए. एंड टुमारो वी विल कंटिन्यू विद अवर नेक्स्ट पार्ट रिगार्डिंग दिस चैप्टर, दैट इज अवर पार्ट नंबर 2.